यह छाछ का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेनर में 1.5 कप जितने पुदीना के फ्रेश पत्ते ले लिए हैं, साथ ही साथ 2 कप जितने हमने धनिया पत्ता लिए हैं। तो धनिया पत्ता को हमें डंठल समेत लेना है, तो जो एकदम नरम वाली डंठल होती है उसे यूज़ करना है, मोटी वाली डंठल का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अब इसे 2 से 3 पानी से धो लिया ताकि इसमें से डस्ट है वो निकल जाए, और किचन नैपकिन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और डैब डैब करके इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सुखा लेना है। अब यहाँ पर मैंने ओवन को ऑन कर लिया है, माइक्रोवेव मोड पर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे सेट किया है, और अभी मैं 7 मिनट का इसमें टाइमर लगा लूँगी और 1-1 मिनट के बाद हमें इसे चेक करते रहना है। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो आप ये कैसे बनाएंगे, तो पंखे के नीचे आपको धनिया और पुदीना के पत्ते को सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। तो पंखे में सुखाने से इसका जो कलर है वो मेंटेन रहता है। तो 1 मिनट के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो अभी 4:35 हो रहे हैं, हमने 7 मिनट पे इसे सेट किया था, तो 2-2.5 मिनट में आपकी धनिया पत्ता और पुदीना के पत्ते हैं वो एकदम सूख जाते हैं, तो जिसका कलर भी एकदम ग्रीन रहता है। अगर ज़्यादा इसे रोस्ट करेंगे तो ये काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट टेक्सचर हमें मिल चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम इसका अच्छी तरीके से पाउडर बना जा रहा है और एकदम इसका जो कलर है ना वो मेंटेन रहा है। अब हम इसका हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड में। दूसरी तरफ हमने गैस के स्लो फ्लेम के ऊपर एक पैन को गर्म कर लिया है, जिसके अंदर हमने 1/4 कप जितना अखा धना डाला है। इससे छाछ के मसाले में खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। अब छाछ के मसाले का जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है ज़ीरा। तो यहाँ पर हमने सेम क्वान्टिटी का यानी कि 1/4 कप जितना ज़ीरा लिया है, और साथ ही साथ हम इसमें खुशबू लाने के लिए 1 टेबल स्पून जितनी सौंफ डाल रहे हैं कच्ची वाली, और 1 टीस्पून जितना हम इसमें अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना हम काली मिर्च के दाने डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे हमें 2 से 2.5 मिनट के लिए भूनना है, या फिर जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू आने ना लगे या फिर ये थोड़ा सा चटकने ना लगे। इसको हमें बहुत ही कलर नहीं देना है, अगर ज़्यादा भून देंगे तो ये मसाला कड़वा हो जाता है। तो 2.5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से चटकने लगा था, तो मैंने इसे दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। अगर इसको हम पैन में रखेंगे तो ये ज़्यादा भून जाएगा और बाद में कड़वा टेस्ट कर सकता है। अब इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से ठंडा कर लेने के बाद मिक्सर जार में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मसाले ठंडे हो जाए उसके बाद ही हमें पीसना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जितना हींग डाला है, और अब लीड कवर करके इसको ऑन ऑफ करके हम पीसना है, यानी कि पल्स मोड पे हमें पीसना है। अगर एक ही साथ आप इसको पीसेंगे तो इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, जिससे मसाला है वो लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते, उसमें फिर बाद में झाले पड़ जाते हैं। तो आपको इसे इस तरीके से रुक रुक के पीसना है, और आपको यहाँ पर कितना महीन पाउडर चाहिए ये आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पे मसाले को अच्छे से पीस लिया है, फिर इसे स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई भी बड़ा टुकड़ा रह गया हो तो इसे हम बाद में पीस सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एकदम महीन पाउडर तैयार मिलता है। लास्ट में छानने के बाद इस तरीके का मोटा पाउडर आपको तैयार मिलता है। आप चाहे तो इसको ऐसे पीस डाल सकते हैं या फिर मिक्सर में वापस से पीस के इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे पाउडर हमारा तैयार है, तो जिसके अंदर मैंने 1/2 कप जितना सेंधा नमक डाला है, आप चाहें तो 1/4 कप जितना सेंधा नमक और 1/4 कप जितना रेगुलर नमक मिला सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना सौंठ का पाउडर डालेंगे। हमने जैसे पुदीना और धनिया के पत्ते को ड्राई करके लिया, आप चाहें तो वहाँ पर हरी वाली मिर्च, अगर तीखा पसंद करते हैं तो हरी वाली मिर्च को लंबा लंबा पतला काट के उसको भी ऐसे रोस्ट करके ले सकते हैं, साथ ही कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि हमारे घर में उनका टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और हमारा मसाला पाउडर तैयार है, जिसके अंदर अब हम लास्ट में पुदीना के पत्ते और धनिया के पत्ते जो रोस्ट करके रखे थे उसे डाल देंगे। तो आया ना एकदम बढ़िया कलर। आप चाहें तो घर से ही बिजनेस कर सकते हैं छाछ के इस मसाले का, और बैठे बैठे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये मसाले को आप एयरटाइट कंटेनर के अंदर, फ्रिज के बाहर आप एक साल से ज़्यादा इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा मसाला तैयार। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया मसाला हमारा तैयार हुआ है। अब हम देखेंगे कि इससे हम मसाला छाछ किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर हमारे मसाले का आया है। तो अगर एक बार भी आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका अनुभव शेयर करना ना भूलिएगा। मसाला छाछ बनाने के लिए मैंने 1/2 कप जितना दही लिया है, साथ ही साथ हम 2 ग्लास जितने इसके अंदर पानी डालेंगे, और
दो टीस्पून जितना हम यहाँ पे मसाला डालेंगे। तो मसाला आपको कितना पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मसाले की क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो तैयार है हमारी मसाला छाछ। आप चाहें तो इस वक्त इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं अगर एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस आपको पसंद हो तो, और साथ ही साथ कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारी मसाला छाछ। अगर आज की रेसिपी किसी भी कारण से आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।